बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। बड़ी और दुखद खबर इस वक्त आ रही है, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज कुछ देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन, 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। इलाज उनका जारी था, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था, लेकिन अंतिम सांस ली और अलविदा किया सभी को पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने। इस वक्त की ये बड़ी और दुखद खबर। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री ने जरूर इंतजामों की बात कही थी, बेहतर से बेहतर यहां पर इलाज किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का इलाज जारी भी था गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। 86 साल की उम्र में निधन हुआ पूर्व मुख्यमंत्री असम के तरुण गोगोई का। इस वक्त की बड़ी खबर है, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अब हमारे बीच नहीं रहे। इलाज उनका जारी था, तबीयत असाज थी। 86 साल की उम्र में तरुण गोगोई का निधन हुआ। जोरहट के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा तरुण गोगोई ने पूरी की। जेबी कॉलेज से स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी और इस तरह से अपना उनका सफर आगे बढ़ता रहा। गुवाहाटी विश्वविद्यालय से LLB किया उन्होंने और 1968 में जोरहट के नगर परिषद के लिए भी उन्हें चुना गया था। यहां से कह सकते हैं राजनीति में उन्होंने कदम रखा। डॉली से शादी हुई, एक बेटा और एक बेटी है। तरुण गोगोई के मई 2011 में तीसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने थे तरुण गोगोई। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में भी रहे, जिम्मेदारियों को निभाया। 1991 से 95 तक केंद्रीय मंत्री के रूप में भी तरुण गोगोई ने काम किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं तरुण गोगोई। 2011 में असम के टिटाबर से कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता था। 1 अप्रैल 1936 को असम में जोरहाट के टी एस्टेट में इनका जन्म हुआ था और इस तरह से एजुकेशन के साथ ही राजनीति में उन्होंने कदम आगे बढ़ाए और एक मजबूती के साथ अपना नाम राजनीति में, खासतौर से कांग्रेस में अंकित किया। तीन बार असम से के मुख्यमंत्री रहे हैं तरुण गोगोई। इलाज उनका जारी था, बेहतर इंतजामों की भी बात कही जा रही थी मुख्यमंत्री की तरफ से असम के, और आज कुछ वक्त पहले अंतिम सांस ली असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने। दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, तरुण गोगोई का जाना, किस तरह की क्षति आप देखती हैं? एक बेहतर मौजूदगी, मजबूती के साथ उन्होंने कांग्रेस में दर्ज कराई, मंत्रिमंडल में मौजूदगी, असम के तीन बार मुख्यमंत्री रहना। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर किस तरह की तरह से पता लग सकता है कि वो 6 बार की सांसद रह चुके हैं, वो असम की 15 साल CM रह चुके हैं। और आपको बता देंगे नरसिम्हा राव का जो टेन्योर था, जो 1991 से 1995 तक, तब जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तब गोगोई ने यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तब संभाला था। यानी कांग्रेस के आज से नहीं, बहुत 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 पुराने सिपाही रह चुके हैं और बहुत लंबे समय से उनकी तबियत खराब थी। और असम के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ, मतलब सोमवार की जिस तरह से in a life support system and ultimately at 5:34 p.m. he left this world. तो लगातार प्रतिक्रिया भी इसे लेकर आ रही है। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि दुखद पल है, प्रतिक्रिया भी आ रही है। जी देखिए, 50 साल का उनका लगभग खुद पॉलिटिकल करियर था और सोमवार को मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शनिंग की वजह से, फेजर की वजह से उनका निधन हो गया। और केवल उनके पॉलिटिकल करियर की उम्र देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कांग्रेस में किस तरीके से इंटीग्रल पार्ट थे,
सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका कितना, कई बार वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, असम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कितना पावर था। उनका पहले वो उनका जन्म हुआ था फर्स्ट अप्रैल को 1936, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बैटल लड़ी, लड़ाई तमाम चीजें, और अब ये इस तरह का माहौल, और खास तौर पर जब हम हर तरह इसी तरह की खबर सुन रहे हैं, उस बीच में आपको एक बार फिर बता, कोई का ध्यान हो चुका है, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह रही है। तरुण गोगोई अगस्त में कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे, तो कोरोना पॉजिटिव होने के 2 महीने अस्पताल में ही भर्ती रहे, 25 अक्टूबर को अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए थे, और अब उनका फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी 25 अक्टूबर को डिस्चार्ज होने के बाद ही उनकी तबीयत नापाक रही, और अब उनका सोमवार को निधन हो गया। बेहद दुख की खबर है, और जिस तरीके से जानो, और एक बहुत बड़ा पिलर कांग्रेस का ये रहे, और बहुत 50 साल के इस पॉलिटिकल करियर में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, दिखाई और जो की है, तो ऐसे में बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए देखने को। बिल्कुल, और अस्पताल में ही लगातार इलाज उनका जारी था आदिति, और जैसे जानकारी मिली कि आज ही उनकी तबीयत ज्यादा बेहद नाजुक हुई, क्योंकि नाजुक पहले थी, स्टेबल पहले से था, उम्मीद थी कि बेहतर हो जाएंगे। तो 5:30 बजे के करीब निधन हुआ है असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में, उनका इलाज जारी था, हालांकि कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे तब, इलाज जारी था और 25 अक्टूबर को डिस्चार्ज भी हुए थे, जिसके बाद वो नेगेटिव हुए, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी हालत बेहतर नहीं थी, ठीक नहीं थी, लगातार इलाज जारी था। मल्टी ऑर्गन फेल्यूर वजह बताई जा रही है कि अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। आज तबीयत ज्यादा नासाज हुई, बेहद नाजुक हो गई थी हालत। जो मौजूदा असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपना डिब्रूगढ़ का दौरा रद्द किया, वापस वो परिवार के पास लौट रहे थे, लेकिन इस बीच 5:30 बजे ये खबर आई कि तरुण गोगोई नहीं रहे। श्री तरुण गोगोई लेफ्ट दिस वर्ल्ड एट 5:34 PM। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।